जागरूक भारत 24 न्यूज में आपका स्वागत है। जालौर जिले के जसवंतपुरा तहसील के खोड़ेश्वर महादेव के पहाड़ों में पिछले दिनों हुई बारिश के बाद झरना बहना शुरू हो गया। शुक्रवार शाम को करीब एक घंटे तक तेज मूसलाधार बारिश हुई, इससे पहाड़ों से पूरे वर्ग के साथ झरने बहने लगे। जिले भर में लोग खोड़ेश्वर महादेव के दर्शन करने पहुँच रहे हैं। जिले के जसवंतपुरा तहसील के खोड़ेश्वर महादेव के पहाड़ों में पिछले दिनों हुई बारिश के बाद झरना बहना शुरू हो गया। शुक्रवार शाम को करीब एक घंटे एक तेज मूसलाधार बारिश हुई, इससे पहाड़ों से पूरे वेग के साथ झरने बहने लगे। जिले भर से लोग खोड़ेश्वर महादेव के दर्शन करने पहुंच गए। यूं तो रोजाना खोड़ेश्वर महादेव मंदिर में लोग भोलेनाथ के दर्शन करने पहुंचते, लेकिन शनिवार रविवार और ज़्यादा संख्या में लोग पिकनिक मनाने पहुँच रहे। शुक्रवार को बारिश मौसम खुशनुमा हो गया और इससे शुक्रवार शाम ही खोड़ेश्वर महादेव इलाके में लोगों की भीड़ नजर आई। लोग महादेव मंदिर में प्रसादी भी करते हैं, साथ ही लोग पिकनिक मनाने के लिए भी मंदिर में परिसर में आसपास के क्षेत्र में गोट का आयोजन भी करते हैं। आपको बता दें कि खोड़ेश्वर महादेव मंदिर जालौर जिले के जसवंतपुरा के पास जाविया गांव के पास और सुंदा माता से 18 किलोमीटर दूर तक 1000 साल पुराना मंदिर है। यह मंदिर शानदार अरावली पहाड़ियों से और आरक्षित वन क्षेत्रों में घूमने के लिए एक अद्भुत जगह है। श्रावण महीने के प्रत्येक सोमवार को यहां भक्तों की भीड़ जमा होती है। खोड़ेश्वर महादेव का मंदिर पहाड़ों में बसा हुआ है, जहाँ पर आपको बहुत से प्राकृतिक दृश्य देखने को मिलेंगे, जैसे कि झरनों में नहाते लोग, मनोरंजन करते बच्चे। श्रावण महीने में उमड़े श्रद्धालु, जालौर जिले का एकमात्र मनोरंजक क्षेत्र है जहाँ श्रावण महीने में बहुत भारी संख्या में लोग आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जागरूक भारत 24 न्यूज़ जालौर। उम्मीद है आपका काम हो गया होगा। लार पड़ा नहीं देख ये। तो भाई साहब आप, मैं रानीवाड़ा से आया हूँ। आप देख सकते हो जसवंतपुरा के खोड़ेश्वर जी महादेव, बहुत ही शानदार मंदिर है। और इस मंदिर का इतिहास आप देखोगे तो बहुत जूना है और बहुत ही ऐतिहासिक है। और आप देख सकते हो यहाँ पे दूर दूर से आते हैं, गुजरात से भी आते हैं
यूपी से भी आते हैं, पंजाब से भी आते हैं महादेव का दर्शन करने के लिए। बहुत ही फेमस है हमारे यहाँ के, 8 किलोमीटर दूर झरना है। और देख सकते हो आप पूरे जंगल में बसा हुआ एक बहुत ही अच्छा शानदार मंदिर है, वॉटरफॉल है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हो। और यहाँ पे लोगों की बहुत भावना है और श्रावण महीने में खासकर बहुत लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं। आपको कैसा लगा यहाँ के? बहुत बहुत अच्छी जगह है। मैं मुंबई से आया हूँ, मुंबई से आके यहाँ पे पहली बार आया हूँ अपने लाइफ में और बहुत अच्छी जगह है। मेरे हिसाब से हर किसी को आना चाहिए और बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत मजा आ रहा है फिलहाल। हर हर महादेव, हर हर महादेव है यहाँ पे। शिवजी का मंदिर है और यहाँ पे बहुत शानदार ये वातावरण है, बारिश का मौसम है और यहाँ पे झरने बहुत शानदार चल रहे हैं, बहुत आनंद महसूस हो रहा है और यहाँ पे कई दूर दूर बहुत ही प्राकृतिक वातावरण और ये दृश्य देखकर बहुत मनोरंजन दृश्य है और यहाँ पर बहुत दूर से कई गाँव से लोग देखने के लिए आते हैं। बहुत मनोरम, एक मन को भाने वाला बहुत शानदार दृश्य है और यहाँ के झरने, यहाँ का वातावरण और यहाँ खांडेश्वर महादेव का मंदिर, ये इतने मन को भावुक, इतने विचित्र, एक मतलब लोगों को आकर्षित करने वाला स्थान है जिससे बहुत दूर दूर से यहाँ पर लोग देखने के लिए आते हैं और हम भी यहाँ मतलब देखने के लिए आए थे और बहुत शानदार दृश्य यहाँ पर है। आपको कैसा लगा यहाँ आके? यहाँ पर बहुत एक ऐसा लगा कि यहीं पर रहने रहे हम, गए नहीं घर पे, इतना मतलब मन को भाने वाला है, शांत वातावरण और बहुत शानदार यहाँ का दृश्य है। कहाँ से आ रहे हो भाई साहब आप? गुजरात से आ रहे, धानेरा से। क्या लेने आए हो यहाँ पे? यहाँ घूमने के लिए आए थे। पहाड़ियों का मौसम है, सुहाना बहुत झरने का आनंद है, बरसात का मौसम है, बहुत है, घोड़ेश्वर महादेव का झरना है।